जी देखा जाए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो तबादले होते हैं और मौजूदा समय में भी जो तबादले हो रहे हैं, उनमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन बहुत अधिक है। इन तबादलों में एक विशेष बात यह है कि चूंकि पॉलिटिकली वही गवर्नमेंट द्वारा आई है, तो इसीलिए यह, अगर भाई आप अगर यह कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक तबादले कर रहे हैं, तो उसका कोई रीजन नहीं था, क्योंकि प्रशासन तो लगभग कंटिन्यूटी में चल रहा है, पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी। तो जो आम चर्चाएं हैं वो यही हैं कि चुनाव को लेके जिन पर कृपा है, जो जिनका काम चुनावी दृष्टि से ठीक लगा, जिनसे कोई नाराजगी नहीं हुई, जिन्होंने सत्ता पार्टी के पक्ष में काम किया, और विपक्ष जिनसे त्रस्त रहा उनको तो छोड़ा जा रहा है, और जिनके ऊपर यह आरोप लगे कि सत्ताधारी पार्टी को खुश नहीं रख पाए, मनमाने ढंग से चुनाव नहीं करा पाए, उन लोगों को ही एक प्रकार से गाज गिरने की बातें इसमें सामान्य तौर पर कही जा रही है। जी देखिए, ये तो बात हम सभी जानते हैं, मानते हैं, और इसमें कोई शंका नहीं है कि तबादलों से अफसर प्रभावित होते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेके कोई बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि इस बात में कोई बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत है कि तबादलों से अफसर परेशान होते हैं, प्रताड़ित भी महसूस करते हैं। तो यह तो एक एक जानी पहचानी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि तबादले अफसरों के दिक्कत तलब होते ही हैं, और उसका लाभ भी पॉलिटिशियंस उठाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, यह तबादले मुख्य रूप से माने जा रहे हैं कि यह तबादले जो पॉलिटिकली सूटेबल नहीं चुनाव में हुए, क्योंकि खास करके ये चुनाव से इनको लिंक करके देखा जा रहा है कि फला फला जिले के, मान लीजिए कन्नौज के का कोई अफसर, मान लीजिए नहीं सुटेबल दिखा, तो उसको कहा ठीक है भैया, आप चुनाव खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें हटा दूंगा, तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। तो एक प्रकार से ये औकात दिखाए जाने वाली बात जो है तो वह खतरनाक है। अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, पॉलिटिकल रीजन से ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी आम चर्चा है, तो वह प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। और इन तबादलों को लेकर विशेष करके यही कहा जा रहा है, इनके पीछे राजनीतिक कारण है, ये प्रशासनिक बेहतरी के लिए नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मात्र केवल और केवल पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये तबादले हो रहे हैं। थाना हजरतगंज में दिया था एफआईआर के लिए, जिस पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि हमने 30 FIR करा दिए हैं, 30। प्रश्न यह है कि वो 30 FIR की जरूरत क्यों पड़ी, और आप यह क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये मास स्केल पे गड़बड़ी हुई, आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसमें परीक्षा एजेंसी की भूमिका है, आपने अब तक किसी भी मामले में परीक्षा एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, वगैरह वगैरह। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो दरोगा भर्ती को पूरी तरह प्रश्नवाचक बना देता है। कल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भी उस पर एक प्रकार का यह लगा दिया कि आप हमारी आज्ञा के विरुद्ध रिजल्ट निर्गत नहीं करेंगे, यह बहुत ही स्वागत योग्य कार्य है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब उसमें हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, कामयाब होने के लिए ही आदमी केवल कार्य करता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। कामयाब होना न होना एक अलग बात है, अपना प्रयास करना एक अलग बात। जहां तक ये जो पहला प्रश्न है आपका कि क्या ये अपनी छवि बदलना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अफसरों के तबादलों से छवि नहीं बदलती है। यह जरूर है कि यह मैसेज जरूर जा रहा है और जाएगा, जो ये चाहते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं, यदि हमारे मन माफी काम नहीं करोगे तो तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। जो भी तबादलों की सूची है उसमें सबसे पहली बात यही आ रही है कि जिन्होंने मन माफी काम किया वो ठीक है, वो एक जगह से और बेहतर जगह भेज जा रहे हैं। जिन्होंने मन माफी काम नहीं किया उनको आप, जिसको हम लोग आमतौर पर सरकारी भाषा में पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं, आप उस पर भेज रहे हैं। यह एक सामान्य ट्रेंड दिख रहा है, पॉलिटिकली कंड्यूसिव जो उनका कार्य है वही हो रहा है, और यही चीज चारों तरफ दिख रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इमेज परिवर्तन की बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।